इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 11। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 11। तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। अगले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इस्राएलियों का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। और उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया, और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई, और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद के शूरवीर यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सब इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें से मुख्य पुरुष ये है। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात किसी हकमोनी का पुत्र याशोबाम जो तीसों में मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय मार डाला था। इसके बाद अहोही दोदो का पुत्र अलियाजर जो तीनों महान वीरों में से एक था, वह पसदम्मीम में जहां जव का एक खेत था दाऊद के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नाम गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाईम नाम तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बेथलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेथलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेथलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला, और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लोहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किए, और अभिषय जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था, और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिमकृतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर
उसने एक डिलवाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया, परंतु वह तो 300 में से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बेथलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हरोरी शम्मोत, पलोनी हेलेस, तकोई इशेक का पुत्र ईरा, अनातोती सिब के होसाती, अहोही ईलय, महरे नतोपाई, एक और नतोपाई बाना का पुत्र हेलेद, बिन्यामिनियो के गिबा नगरवासी रिबे का पुत्र इत्तय, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हुरे, अराबावासी अबियल, बहुरिमी अजमावेत, शलमोनी एल हबा, गिजोई हाशिम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान, हरारी सकार का पुत्र अहियाम, ऊर का पुत्र पलिपाल, मकेराई हेपेर, पलोनी अहियाह, कर्मेली हेस्त्रो, एजबे का पुत्र नारे, नातान का भाई योएल, हगरी का पुत्र भीमार, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहेर, जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, एतेरी ईरा और गारेब, हित्ती उरियाह, अहलय का पुत्र जाबाद, 30 पुरुषों समेत रुबेनी, शीजा का पुत्र अदीना जो रुबेनियों का मुखिया था, माका का पुत्र हानान, मेतेनी योशापात, अस्तारुती उज्जियाह, अरोएरी होताम के पुत्र शामा और ईएल, शिमरी का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी योहा, महबीमी एलियल, एलनाम के पुत्र यरीबय और योशव्याह, मोआबी इत्मा, एलियल, ओबेद और मसुबाई यासीएल।